अभी आपको बताएं, सिंध में कोरोना से मजीद 4 हलाकतों के बाद तादाद 73 हो गई, जो मजमुई केसेस का 11% बनती है। 24 घंटे के दौरान मजीद 298 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें तब्लीगी जमात के 10 अपराध भी शामिल हैं। बे एहतियाती की वजह से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉरेटरी कायम करती है, रोजाना 800 टेस्ट होंगे। 3 हफ्तों में इस लैब की सलाहियत बढ़कर 2400 योमिया हो जाएगी। चौबीस घंटों में 298 और पॉजिटिव आए हैं, टोटल 3671 पॉजिटिव केसेस सुबह सिंध में आ चुके हैं, 730 अफराद क्योर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4 अफराद वफात पा गए, टोटल तादाद 73 हो गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में कायम की है। इंशाल्लाह ताला आज से इन ऑपरेशन आ गई है। इस वक्त इसकी कैपेसिटी 800 है, 2 से 3 हफ्ते में ये 2400 टेस्ट पर डे करेगी। बहुत ज़रूरी है कि हम इस कोविड, इस कोरोना के जो आजमाइश आई है, उससे निजात पाने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, हम दूर रहें एक दूसरे से।